हेलो, दिस इज रचना देशवाल, योर साइंस टीचर. बेटा, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू चैप्टर नंबर 1. टुडे आई एम वी विल टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इट इज योर रिवीजन क्लास. सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन जहाँ केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. और जब केमिकल रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं सिम्बॉलिक फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, केमिकल इक्वेशन, जैसे कि हम मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. ये क्या है, आपका एक केमिकल रिएक्शन है. अगर हम इसको आप सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे 2 Mg + O2, ये क्या फॉर्मेशन होती है, Mg2MgO. सो ये आपका एक केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमने इस सेंटेंस को एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है. जब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, दैट वी विल कॉल इट केमिकल इक्वेशन. ओके, केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल, फूड गेट डाइजेस्टेड अमन अवर बॉडी, रस्टिंग ऑफ आयरन. फॉर एग्जाम्पल बेटा, H2+O2. सो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, राइट हैंड साइड में जो हमें एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो बैलेंसिंग इक्वेशन, इसकी बेटा आपको ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस प्रोवाइड करा चुकी हूँ रिविजन क्लास में. रिविजन क्लास करके आपकी 2 वीडियो है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. उसके बाद में हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन. 4 types of reaction होते हैं बेटा. नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स व्हेन 2 reactants कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O, इट गिव अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस. तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन कंबाइन हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विद वॉटर. तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बर्निंग ऑफ कोल, सी कार्बन प्लस O2, इट गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे 2 reactants है एंड 1 product है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वेन हीट इज रिलीज्ड, जहाँ हीट रिलीज होती है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, वेन मिथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड हीट रिलीज होती है. एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हीट की फॉर्म में हम उसको प्रोवाइड कराएं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन BaOH का होल ट्वाइस व्हेन रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ में रिएक्ट करता है, इट गिव अस Ba=barium क्लोराइड प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पे किसकी चीज की हमें हीट की रिक्वायर्ड है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन जहां पर हमें हीट की किसी भी रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन FeSO4 जब यहाँ पे ये ब्रेक होता है Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो यहाँ पे हमें हीट की रिक्वायरमेंट है. जब हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, H2O, व्हेन H2O को जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दोनों गैस, एंड H2O इज अ लिक्विड. ये AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जब ये सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आता है, सो इट गिव अस Ag,
एजी जो ग्रे कलर का होता है प्लस Cl2 गैस। उसके बाद भी ऐसे ही AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है। जब सनलाइट की सनलाइट में रखा जाता है AgBr को, या सनलाइट की प्रेजेंस होती है, तो ये ब्रेक हो जाता है Ag+Br2 में। सो द अबव टू रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आई एक्सप्लेन यू इन अ डाउट सेशन में कि व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल वेन iron react with CuSO4, it give us FeSO4 plus C copper Cu. copper sulfate के solution में से जब iron copper को displace कर देता है, so this type of reaction is called displacement reaction. हम जैसे कि आपको reaction में दिख भी रहा है कि यहाँ पे ये CuSO4 की CuSO4 Fe iron ने किसको displace कर दिया है, copper को। copper solution के सॉल्यूशन कॉपर सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, आयरन ने। सेम व्हेन Zn जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, इट गिव अस ZnSO4 प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स टू डिफरेंट एटम्स or group of atoms are mutually exchanged. For example, Na2SO4 when react with BaCl2, it gave us BaSO4 plus NaCl. यहाँ पर two elements, two atoms, Na2SO, यहाँ पे ये Na2SO4 है, इसके NaCl बन जाएगा, NaCl plus BaSO4. तो यहाँ क्या हुआ, exchange, और यहाँ पे exchange हुआ है ions का, म्यूचुअली एक्सचेंज है कि Na ये क्लोराइड के साथ में चला जाएगा बेरियम सल्फेट के साथ में। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों सॉल्यूशन में से दोनों ही डिस्प्लेस हो गए। प्रेसिपिटेशन फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, इट गिव अस लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। It means lead iodide is a precipitate. Precipitate means solid. एक solid part है जो नीचे test tube में react करता है, तो वो नीचे settle down हो जाता है, उसको हम कहते हैं precipitation reaction. यहाँ पर PbI2 lead iodide is a precipitate. Oxidation, gain of oxygen is called oxidation. For example, when copper react with oxygen, formation होती है copper oxide की, तो यहाँ copper ने oxygen gain कर लिया, इसलिए हम इसको oxidation reaction कह रहे हैं। When copper, जब copper oxide से H2 hydrogen gas को में hydrogen gas निकाल दी जाती है, hydrogen gas के साथ react करता है, so heat की presence में copper segregate हो जाता है, तो यहाँ copper oxide ने अपने oxygen atom को लॉस कर दिया है, तो इसका रिडक्शन हो गया है प्लस H2O यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, H2O में हो गया, यहाँ इसने गेन कर लिया। सो रिडक्शन क्या, रिडक्शन इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट, जिसमें एक रिएक्टेंट आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड सेकेंड एलिमेंट आपका दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इट गिव अस कॉपर प्लस H2O। सो ऑक्सीडेशन में किसका हुआ है, यहाँ H2, क्योंकि इसने ऑक्सीजन यहाँ गेन कर लिया, एंड रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो गया। सेम ऐसी अनदर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन। कोरोजन क्या है, व्हेन कोई भी मेटल, फॉर एग्जाम्पल आयरन कोई मेटल है, जब उस पर मॉइस्चर का, एसिड का, उसके सराउंड में जो भी सराउंड में प्रेजेंट है मॉइस्चर एसिड अटैक्ड होता है, उसको हम कोरोजन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ गुड एग्जांपल। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जैसे कि रस्टिंग आपने देखा होगा कि आयरन के आर्टिकल्स को अगर हम बाहर मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तो उस पर ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ऐसे सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। Rancidity, when fats and oil are oxidized, they become rancid.
एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, जिसकी वजह से उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल हम आपको बटर का एग्जाम्पल देते हैं कि बटर को अगर आप थोड़े टाइम के लिए बाहर रख देते हैं, मतलब फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल करके, तो आप उसमें देखते हो उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज. तो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज, उसमें डेंसिडिटी हो गई है, डेंसिड हो गया. एंड और इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं डेंसिडिटी से, जैसे कि चिप्स के पैकेट होते हैं उनके हम उनके अंदर हम क्या फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन N2 गैस ऐड कर देते हैं, जिस जो प्रिवेंट करते हैं उनके ऑक्सीडेशन से. N2 नाइट्रोजन गैस फिल होती है उनके उन चिप्स के पैकेट के अंदर, जिससे कि वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो. ऑक्सीडाइज्ड अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा, मतलब खराब. आपने देखे भी होंगे कि कभी कभी आपके चिप्स अंदर से खराब निकलते हैं. Okay, there's some important points. A complete chemical equation किसको कहेंगे, जहाँ reactant भी हो, product भी हो, और उनकी physical state symbolically लिखी हुई, solid है, liquid है, gas. Chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involve the chemical reaction. एंड सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. जैसे कि हमें पता है कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया था, जब दोनों साइड, बोथ साइड, रिएक्टेंट भी एंड प्रोडक्ट भी, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स कैसे हो, बैलेंस्ड हो, इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन. कॉम्बिनेशन, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, एक न्यू सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं. डिकम्पोजिशन अपोजिट होते हैं, कॉम्बिनेशन के जस्ट अपोजिट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक हो सकता है टू सब्सटेंस में, थ्री सब्सटेंस में. रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक, एक्सो जहां पर प्रोडक्ट में आपको लिखा हुआ दिखाई देता है एनर्जी रिलीज, एनर्जी प्लस एनर्जी. तो जहां वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एज अ प्रोडक्ट मिलती है हमें, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक, जहां पर हमें किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट देनी पड़े, या फिर उसको हमें, या सनलाइट की प्रेजेंस हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना पड़े, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. डिस्प्लेस, When an element displaces another element, जब एक element दूसरे element को displace कर देता है, this is for displacement reaction. Double displacement reaction, two different atoms होते हैं, group of atoms are exchanged. जब two different atoms होते हैं, वो दोनों exchange होते हैं, this is for double displacement reaction. Precipitation, insoluble salt कहते हैं, वो solid insoluble salt होते हैं जो settle down हो जाते हैं, उनको हम precipitation reaction कहते हैं. रिएक्शन आर इन्वॉल्व द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन गेन होती है ऑक्सीडेशन, जहां ऑक्सीजन का लॉस होता है रिडक्शन. और दोनों को अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस रिएक्शन में होते हैं उनको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. थैंक यू सो मच बेटा, सभी अच्छे से टेस्ट की तैयारी करें. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो मैंने आपके बहुत दो वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप उनको देखें. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. थैंक यू सो मच.